हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप देख रहे हैं 3-in-1 कंबाइंड एल्युमिनियम विंडो। आमतौर पर कस्टमर की ये शिकायत रहती है कि एल्युमिनियम विंडो में उन्हें सेफ्टी अवेलेबल नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें एडिशनल सेफ्टी ग्रिल का खर्चा करना पड़ता है, सी टाइप ग्रिल बनवानी पड़ती है और विंडो की कॉस्टिंग थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक 3-in-1 कंबाइंड ऑप्शन निकाला है, जिसमें सेफ्टी ग्रिल हमने विंडो के साथ में ही अटैच कर दिया है। इसमें हमें विंडो के साथ साथ मॉस्किटो नेट और सेफ्टी ग्रिल भी मिल जाता है और इसकी कॉस्टिंग भी कस्टमर के बजट में आ जाती है। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ग्रिल के लिए हमने 1/2 इंच का स्टील पाइप इस्तेमाल किया है, जो हम स्टील रेलिंग में यूज़ करते हैं, और लगाने के लिए हमने 4 इंच की कांस्टेंट डिस्टेंस पे इसको अटैच कर दिया है। इसको बनाने की प्रोसेस हम आपको आने वाले वीडियो में दिखा देंगे कि किस तरह से ग्रिल और विंडो तैयार होती है। ये विंडो का अंदर का भाग है। अब हम आपको विंडो के पीछे का लुक दिखाते हैं। ये हमारे विंडो का पीछे का लुक है। हम राजस्थान से हैं तो यहाँ का मौसम सूखा रहता है, इसलिए कूलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसमें कूलर के साइज़ का पल्ला बना दिया है। जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो हम पल्ले को खोल के कूलर के ऊपर रख लेंगे, जिससे कूलर की हवा पूरी अंदर कमरे के अंदर आ सके, और जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसे बंद कर देंगे। मॉस्किटो नेट और स्टार ग्रिल को हमने एक साथ लगाया है। इसको लगाने के लिए हमने वाई चैनल का इस्तेमाल किया है। हम यू चैनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इन्हें पीसेस में लगाना होगा। मॉस्किटो नेट के लिए हमने SSK नेट का इस्तेमाल किया है। इस विंडो में हम दोनों तरफ के पल्ले भी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें 4.25 के सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। विंडो का पल्ला बनाने के लिए हमने 2.5 एक का सिंगल कॉलर यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और चौखट के इस्तेमाल के लिए हमने 2.5-1.5 का सिंगल पार्टीशन यूज़ किया है, ये वाला। आने वाले वीडियो में हम आपको इसकी मेकिंग दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्योरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।